तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर रोज की तरह न्यू एक एपिसोड में सबको स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एक क्रैश होता है केटीएम डुक के साथ। केटीएम डुक वाला जो रोलिंग स्टॉप ही कर रहा था तभी क्रैश हो जाता है। तो गाइस, इधर अपाची वाला बहुत बड़ा हादसा होते होते बच जाते हैं। जो XL 100 वाला है, बिना देख रास्ता क्रॉस कर रहा था तभी बहुत मुश्किल से बाइक को कंट्रोल करता है अपाची वाला। तो गाइस, एक कैसे होता है Z900 के साथ ज्यादा एक्सेलेरेट होने के कारण आगे का टायर जो हवा में उठ जाता है और पीछे का टायर स्लिप होकर बहुत बुरा क्रैश होता है। तो गाइस, एक कैसे होता है स्कूटी वाला जो दारू पी के स्कूटी चला रहा था तभी एक क्रैश हो जाता है। तो ऐसा तो मत करो, दारू पी के कोई भी स्कूटी मत चलाओ। देख सकते हो ऑटो के साथ कितना ज्यादा क्लोज हो के काट मारता है, अगर लग जाता बहुत बुरा क्रैश होता है। और इधर लड़की को भी उल्टा सीधा बोलते है, अरे बुला रहे लड़की लोगों को कुछ भी बोल के जा रहा है। तो तो गाइस, ये वीडियो हमारे UK07 वाला बाबू भाई का। तो रिसेंटली मालूम है वेस्ट बंगाल में बाबू भाई जो राइड कर रहा था तभी उनका पीछे पीछे उनका फैन फॉलो करने लगता है, उसमें से एक बंदे का बहुत बुरा क्रैश हो जाता है। तो गाइस, क्रैश होता है एक साइकिल वाला बाइक वाला का। पहले तो वीडियो देखो। तो गाइस, एक क्रैश होता है एक बच्चा जो बाइक के सामने अचानक आ जाने के कारण बहुत बुरा क्रैश होता है और बाइक वाला जो बाइक को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस वजह से सीधा जाकर साइकिल में ठोक देता है और साइकिल में जो बच्चा था चाबी भी छीन लेता है और उधर पुलिस भी आता है। तो गाइस, इधर बहुत बड़ा हादसा होता है तो बच जाता। पहले तो वीडियो देखो। तो गाइस, जैसे कि आपने वीडियो में देखा आगे चला बाइक वाला जो बिना देखे रास्ता पार कर रहा था तो बहुत बड़ा हादसा होता है तो इधर बच जाते। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करो।